हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। दोस्तों, आप सभी के लिए एम के स्टडी यूट्यूब चैनल पर राजस्थान के विगत भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान जीके से पूछे गए प्रश्नों को टॉपिक वाइज हल करवाया जा रहा है, जो कि आपके आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, आप सभी के लिए राजस्थान का परिचय, जिसमें हमने पिछली दो क्लासों में आपके लिए प्रश्न कराए और यह आज आपकी तीसरी क्लास है जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, ये सभी वे प्रश्न हैं जो राजस्थान के विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं और जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि दोस्तों 80 से 90% प्रश्न वे होते हैं जो राजस्थान के विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं। दोस्तों, यह क्लास आपके पशु परिचर, LDC, रीट और सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। दोस्तों, आप इस क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें जिससे इन क्लासों का फ़ायदा उन्हें हो सके। आइए दोस्तों, इस क्लास की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की मोटिवेशनल लाइन, सफ़र में मुश्किलें आएं तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पर आ जाओ तो घट जाता है दम अक्सर, ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। दोस्तों, आइए इसी प्रकार आपके प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है। इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार 869 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा 6920 किलोमीटर है। यह इसका क्षेत्र पर 342,329 किलोमीटर है। ऑप्शन ए, इसका आकार विषम कोण चतुर्भुज के समान है, यह सही है। दोस्तों, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण जो विस्तार है वो 869 ना होकर के 826 किलोमीटर होता है, और राजस्थान की स्थलीय सीमा की जो लंबाई है 6920 किलोमीटर ना होकर के 5920 किलोमीटर होती है, और राजस्थान का क्षेत्रफल 342,329 ना होकर के 342,239 वर्ग किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य की आकृति है चतुष्कोणीय, विषम कोणीय, समकोणीय या षटकोणीय? ऑप्शन दो, विषम कोणीय। राजस्थान की आकृति है जो TH हेंडले के द्वारा ही सर्वप्रथम इस आकृति के बारे में बताया गया। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान, या इसे हम पतंगाकार रोम्बस टाइप की भी आकृति हम कह सकते हैं। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित होता है? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध या दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध? ऑप्शन दो, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। राजस्थान विश्व के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित होता है, और राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। अगला प्रश्न, राजस्थान की निम्नलिखित में से किस जिले से होकर के कर्क रेखा गुजरती है? गंगानगर, बांसवाड़ा, कोटा या झालावाड़? ऑप्शन दो, बांसवाड़ा। यहाँ से होकर के राजस्थान में कर्क रेखा गुजरती है। राजस्थान के दो जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा यहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न, भारत में से होकर के कौन सी रेखा
गुजरती है कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन ए कर्क रेखा भारत से होकर के गुजरती है। यह कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है जिसमें से राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम ये भारत के 8 राज्य हैं जहां से होकर के भारत में कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग से गुजरती है? प्रधान मध्यान्ह रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा या विषुवत रेखा? ऑप्शन 3 कर्क रेखा ये राजस्थान के दक्षिण भाग से होकर गुजरती है जिसमें राजस्थान के 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा से यह मध्य रेखा कर्क रेखा गुजरती है। अगला प्रश्न, कर्क रेखा राजस्थान के निम्नांकित में से किन जिलों से होकर के गुजरती है? बांसवाड़ा और उदयपुर, बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ या उदयपुर चित्तौड़गढ़? ऑप्शन 2 बांसवाड़ा डूंगरपुर। राजस्थान में कर्क रेखा चीकली गांव डूंगरपुर से प्रवेश करती है और बांसवाड़ा कुशलगढ़ के मध्य से यह रेखा गुजरती है जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं और राजस्थान में इस कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर होती है। अगला प्रश्न, दोस्तों ये सभी प्रश्न राजस्थान की विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछ लिए गए हैं जो आपके लिए एमके स्टडी यूट्यूब चैनल पर करवाए जा रहे हैं जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य सीमा दोनों हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर या हनुमानगढ़? ऑप्शन 2 बाड़मेर, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य सीमा दोनों स्थित हैं। राजस्थान के 2 जिले बाड़मेर और गंगानगर ऐसे जिले हैं जहां से होकर के अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्य दोनों सीमाएं जाती हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? श्रीगंगानगर, जोधपुर, जैसलमेर या बाड़मेर? ऑप्शन 2 जोधपुर, जिसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती। श्रीगंगानगर, इसकी सीमा पाकिस्तान से लगती है 210 किलोमीटर। जैसलमेर, इसकी सीमा पाकिस्तान से 464 किलोमीटर जो सर्वाधिक लगती है और बाड़मेर की सीमा 228 किलोमीटर जो पाकिस्तान से लगती है। सबसे कम सीमा बीकानेर की 168 किलोमीटर यह इसकी सीमा है जो पाकिस्तान से लगती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या दिल्ली? ऑप्शन 4 दिल्ली, जिसकी सीमा राजस्थान राज्य के साथ साझा नहीं है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती? झालावाड़ प्रतापगढ़, भीलवाड़ा बांसवाड़ा, करौली कोटा या डूंगरपुर भरतपुर? ऑप्शन 4 डूंगरपुर और भरतपुर, इसकी सीमा रेखा
मध्य प्रदेश से नहीं लगती। अगला प्रश्न, पाकिस्तान की सीमा रेखा को सर्वाधिक स्पर्श करने वाला राजस्थान का कौन सा जिला है? श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर या बाड़मेर? ऑप्शन 3, जैसलमेर, जो 464 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा सर्वाधिक लगाता है। सबसे कम सीमा रेखा बीकानेर जिले की लगती है, जो 168 किलोमीटर है। श्रीगंगानगर, इसकी सीमा रेखा 210 किलोमीटर, और बाड़मेर, इसकी सीमा रेखा 228 किलोमीटर लगती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर या गंगानगर? ऑप्शन 2, बीकानेर, इसकी सीमा रेखा 168 किलोमीटर, यह पाकिस्तान के साथ सबसे कम सीमा रेखा लगती है। सबसे अधिक सीमा रेखा जैसलमेर राज्य की लगती है, सॉरी दोस्तों, जैसलमेर जिले की सीमा रेखा 464 किलोमीटर लगती है। अगला प्रश्न, राजस्थान का जिला जो गुजरात के साथ बनासकांठा जिले की सीमा रेखा को स्पर्श करता है? जालौर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या बाड़मेर? ऑप्शन 1, जालौर, ये गुजरात के बनासकांठा जो जिला है उसके साथ सीमा रेखा को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न, राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा मध्य प्रदेश और गुजरात से लगती है? बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़ या डूंगरपुर? ऑप्शन 1, बांसवाड़ा। दोस्तों, ये सभी प्रश्न राजस्थान के विगत भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो आपकी आगामी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। दोस्तों, इन क्लासों की PDF आप सभी के लिए MK स्टडी टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। आप वहाँ से MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और MK स्टडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिससे आप वहाँ से इन PDF को प्राप्त कर सकें। दोस्तों, क्योंकि 80 से 90% जो प्रश्न हैं वो राजस्थान के विगत भर्ती परीक्षाओं में से पूछे जाते हैं, राजस्थान का जिला जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा रखता है? बांसवाड़ा, भरतपुर, धौलपुर या सवाई माधोपुर? ऑप्शन 3, धौलपुर, यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न, निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती वह कौन सा जिला है? बाड़मेर, डूंगरपुर, जालौर या प्रतापगढ़? ऑप्शन 4, प्रतापगढ़, जिसकी सीमा रेखा गुजरात राज्य से नहीं लगती। राजस्थान राज्य का कौन सा जिला है जो हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को छूता है? हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू या सीकर? ऑप्शन 1, हनुमानगढ़, जो राजस्थान राज्य का जिला है वह हरियाणा राज्य के हिसार जिले की सीमा को स्पर्श करता है। अगला प्रश्न,
कितने राज्यों की सीमा राजस्थान से लगती है? 6, 4, 5 या 3? ऑप्शन 3, 5 राज्यों की सीमा राजस्थान राज्य से लगती है, जिसमें सबसे कम पंजाब से 89 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश से 877 किलोमीटर, गुजरात से 1022 किलोमीटर, हरियाणा से 1262 किलोमीटर और सबसे अधिक मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर सीमा रेखा राजस्थान से लगती है। राजस्थान की स्थलीय सीमा रेखा कितनी किलोमीटर है? 1070 किलोमीटर, 869 किलोमीटर, 826 किलोमीटर या 5920 किलोमीटर? ऑप्शन 4, 5920 किलोमीटर। यह राजस्थान की स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई है और 1070 किलोमीटर यह पाकिस्तान के साथ राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है और 869 किलोमीटर यह राजस्थान की पूरब से पश्चिम लंबाई है और 826 किलोमीटर यह राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई है।